थाना टकवन क्षेत्र जनपद कानपुर नगर में एक ग्राम में घटना हुई है, जिसमें एक महिला द्वारा छेड़खानी की तहरीर दी गई है। उसी संबंध में दूसरे पक्ष द्वारा गुप्तांग काटने की बात बताई गई है। चूँकि एक पक्ष से अभियोग 354 में पंजीकृत है, अतः उनका नाम बताया जाना उचित नहीं है। इसमें दोनों अभियोगों में पुलिस विवेचना कर रही है और जो विधिक सम्मत होगा और साक्ष्यों के आधार पर जो सामने बातें आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। गिरफ्तारी हुई है? एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और अभी विवेचना जारी है। चूँकि एक ही घटना के दो विपरीत तथ्य बताए जा रहे हैं, तो इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। प्रेम संबंध, इस तहरीर में प्रेम संबंध की बात बताई गई है और जबरदस्ती की भी। तो इसमें जो भी अगर प्रेम संबंध भी है तो गलत है, क्योंकि अगर महिला द्वारा बताया जा रहा है कि उसके साथ छेड़खानी है तो प्रथम दृष्टया उस संबंध में जांच की जा रही है, और किसी ने अगर अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सीड किया है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, तो विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।